मध्य प्रदेश के धार में अजब गजब मामला निकलकर सामने आया। धार जिले के कुक्षी तहसील के पाडलिया गांव में आदिवासी जिसे गोलाकार पत्थर मानकर कुल देवता के रूप में पूजा कर रहे थे, वह डायनासोर का अंडा निकला। मध्य प्रदेश के धार में अजब गजब मामला सामने आया है। धार जिले के कुक्षी में एक गांव में आदिवासी जिसको कुल देवता समझकर दशकों से पूजा कर रहे थे, उसकी जांच में वह डायनासोर का अंडा निकला। वैज्ञानिकों ने जब सामने हकीकत रखी तो आदिवासी हैरत में पड़ गए। दरअसल कुल देवता के रूप में जिसकी पूजा हो रही थी, वह गोलाकार खेती के दौरान आदिवासियों को मिला था और इसी के बाद लोगों ने काकर भैरव के रूप में इसकी पूजा शुरू कर दी थी। कई सालों से इस गोलाकार की पूजा आदिवासी करते चले आ रहे थे, लेकिन बीते दिनों लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक इस गांव में पहुंचे। साहनी ने डायनासोर के इतिहास और क्षेत्र में उनके अवशेष पता लगाने के लिए रिसर्च की तो पता चला कि जो गोलाकार है वह डायनासोर के अंडे हैं। कुछ दिनों पूर्व जो है दिसंबर माह में तीन वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में फील्ड वर्कशॉप में डॉक्टर महेश ठक्कर जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विवेशीर कपूर, डॉक्टर शिल्पा ये वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ये सब यहाँ पर डायनासोर फॉसिल पार्क के वैज्ञानिक कार्यों और विकास कार्यों का जायजा लेने और नियोजित जो योजना है उस पर काम करने के लिए आए थे। इसी दौरान जो है उनका ग्रामीण वासियों ने, वहाँ के व्यवस्था पटेल जो वहाँ के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने काकड़ भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों का पूजन किया जाता है और कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो है जो काकड़ है जिसको खेत बोलते हैं, खेत के दायरे में, खेत की सीमा पर उसको पूजे जाते थे। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उसके परिक्षेत्र में भी दो काकड़ भैरव ये आप इस तरह देख सकते हैं, ये उसी एरिया से है और जैसे ही पार्क की योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमार जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं, उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं हमको वो भी देखने को मिली। तो करीबन 5 के आसपास गांव में जहाँ पर इनकी उपलब्धता आसान हो जाती है वहाँ पर इनको सिंदूर लगाते हुए ना लगाते हुए, खासकर अंजन के पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्थर भी बीच में रख दिया जाता है। तो ये पूजा की वहाँ पर परंपरा रही है और चूँकि बाघ को जियो पार्क बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं बहुत तेज़ी से और जियो पार्क में स्थानीय परंपराओं का भी अहम भूमिका होती है, तो उस दिशा में जो है ये अपने पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा सुंदर सा आकर्षण रहेगा। ये टाइटनसोर का अंडा है, लगभग 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है और जिसके लिए ये पूरा साइट बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है। तो कुछ अंडे जो है कुछ समय के लिए उनको सुरक्षा देने के हिसाब से पार्क के संग्रहण में रखे हुए हैं और समय पर इनको उचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। ये बहुत ही वहाँ के स्थानीय ग्रामीण बहुत ही पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इस टाइप के पत्थर मिले, मतलब जो जीवाश्म मिले, जो जीवाश्म में एक चमत्कारी रूप में एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी पत्थर है जीवाश्म में है, लोगों को आश्चर्यजनक लगा, उस पत्थर को अपने घर में लाए, संरक्षित किया और उसको देवता मानते हुए, कुल देव मानते हुए लोगों ने अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उसकी पूजा पाठ करी, लोगों को अच्छा लगा, उनको अभी वो संरक्षित भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। ये बहुत पहले भी इस पर काफ़ी 10-15 साल पहले भी इसमें रिसर्च किया जा चुका है और अभी पिछले 15 दिन पूर्व ही एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है वहाँ से कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन वैज्ञानिकों को हम लोगों ने पूरे जितने भी इस टाइप के चयनित स्थल है उन जगह घुमाया दिखाया तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी कि जीवाश्म में जो कि 6,500 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म में इसमें इस क्षेत्र में पाए गए। कुछ तो हम लोगों ने उनसे लेके अलग कुछ म्यूजियम में रखवा दिया है, कुछ पार्क में रखवा दिया है और कुछ अभी उनके पास हो सकते हैं, तो हम लोग जैसे जैसे पता चलता जा रहा है
हम उनकी सूची बना रहे हैं और सूची के अनुसार हम उसे प्राप्त करके संरक्षित कर रहे हैं। हालांकि आदिवासी काकर भैरव के रूप में जिसकी पूजा कर रहे थे उसकी पूजा उन्होंने जारी रखने की बात कही है। आदिवासी समाज में परंपरा है कि पूर्वजों के दौरान से चली आ रही है। समाज का मानना है कि कुल देवता मवेशियों से सुरक्षा के साथ उन्नत खेती में मददगार होते हैं, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। आदिवासियों का कहना है कि वह अपनी परंपरा को जारी रखेंगे। भैया, हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम, उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उसपे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ा। तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब की यार ये गुल दगड़ा नहीं, अंडा है डायनासोर। अच्छा। और बहरहाल वैज्ञानिकों का तर्क है कि आदिवासी समाज के लोग डायनासोर के अंडों की पूजा सदियों से करते रहे, इस कारण वह सुरक्षित भी रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक इनके संरक्षण का काम करेंगे। दरअसल नंदा घाटी में डायनासोर की संख्या किसी समय अच्छी मानी जाती थी। रिसर्च टीम को इस साल जनवरी में धार में 250 से ज्यादा डायनासोर के अंडे मिले हैं। अंडों का आकार 15 से 17 सेंटीमीटर रहा है। माना जाता है कि 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर थे और उन्हीं के यह अंडे हैं जिन्हें अब संरक्षित किया जा रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।